Good morning, students. Today our topic is phases of therapeutic relationship. पिछले दो सेशन के अंदर अपने चल रहा था थेरापेटिक रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन. उनके अंदर वेरियस टॉपिक अपन ने किए, डायनामिक्स किया अपन ने, और मॉडल किया थेरापेटिक कम्युनिकेशन का, और कुछ डेफिनेशन अपन ने की. और आज जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, फेजेज ऑफ थेरापेटिक रिलेशनशिप. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है थेरापेटिक कम्युनिकेशन रिलेशनशिप यूनिट का. फेजेज मोस्टली चार फेजेज होते हैं थेरापेटिक रिलेशनशिप के, नर्स पेशेंट के बीच. वो चार फेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्री इंटरेक्शन फेज, देन इंट्रोडक्टरी फेज या ओरिएंटेशन फेज, थर्ड वर्किंग फेज, एंड फोर्थ वन इज टर्मिनेशन फेज. इन चारों फेजेस के अंदर किस तरह से जो नर्स है वो थेरापेटिक रिलेशनशिप बना रही है पेशेंट के साथ, तो उसके अंदर उसके क्या क्या टास्क है, और रिलेशनशिप बनाने के अंदर, थेरापेटिक रिलेशनशिप बनाने के अंदर कौन कौन सी वो प्रॉब्लम है फेस कर रही है, और कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए, उनका मैनेजमेंट किया जाए. तो ये सारी चीज़ें अपन इन फेजेज के अंदर पढ़ेंगे, फेजेज ऑफ थेरापेटिक रिलेशनशिप. तो फर्स्ट फेज अपन स्टार्ट करते हैं, प्री इंटरेक्शन फेज. प्री इंटरेक्शन फेज बेसिकली वो फेज है जिसके अंदर पेशेंट अभी तक आपके वार्ड के अंदर नहीं आए हैं. वार्ड के अंदर आने से पहले अभी पेशेंट का और नर्स का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है. उसके वार्ड के अंदर आने से पहले जो मॉडिफिकेशन, जो टास्क नर्स के सामने उठते हैं, ये वो फेज है, प्री इंटरेक्शन फेज. अब इस फेज के अंदर होता क्या है? बेसिकली इस फेज के अंदर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम को मोस्टली डेवलप किया जाता है बाय द नर्स. देन टास्क क्या होता है नर्स का इसके अंदर? फर्स्ट एक्सप्लोर फीलिंग्स, एनालाइज प्रोफेशनल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, गैदरिंग डाटा, प्लान फॉर फर्स्ट मीटिंग. इस फेज का टास्क होता है बेसिकली जो नर्स है अपनी स्ट्रेंथ को समझे और अपनी लिमिटेशन को समझे, कितनी उसकी लिमिटेशन, डाटा उसको किस तरह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना है उसके बारे में सोचे, खुद के अंदर सेल्फ स्टीम डेवलप करें, सेल्फ कंसेप्ट डेवलप करें, ये सारी चीज़ें वो अपने अंदर डेवलप करें. ये सब कुछ होता है इस फेज के अंदर. अब इस फेज के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बैरियर्स हैं जो अराइज होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैरियर है वो है सेल्फ एनालिसिस, देन सेल्फ अवेयरनेस, देन एंजाइटी. बैरियर प्रॉब्लम मींस, अब जब पेशेंट आपके वार्ड के अंदर आने वाला है, साइकेट्रिक वार्ड के अंदर आने वाला है, तो आने से पहले जो नर्स है वो सोचेगी कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, वो कैसा होगा, कहाँ से बिलोंग करता होगा, क्या अपने को एरोगेंट तो नहीं होगा, वॉयलेंट तो नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली साइकेट्रिक पेशेंट के बारे में ये प्री थॉट ये होता है, अजम्पशन ये होता है कि वो वॉयलेंट होते हैं, ये लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं. तो एक फियर है, एंजाइटी है, वो बनी रहती है. तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम या बैरियर कॉज करती है इस फर्स्ट प्री इंट्रैक्शन फेज के अंदर. तो इन सब फियर को और सेल्फ अवेयरनेस अगर डेवलप अगर नहीं किया है, सेल्फ स्टीम डेवलप नहीं किया है, तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन, थेरापेटिक रिलेशनशिप बनाने के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी नर्स और पेशेंट दोनों को. अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? सिंपली इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है बाय द कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट.
जब नर्स है अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी बाय दी थ्योरेटिकल नॉलेज और सुपरविजन बाय द सीनियर स्टाफ और फैकल्टी। जब वो उनसे पूछेगी कि किस हिसाब से क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए प्री इंटरेक्शन फेज के अंदर, तो इस फेज को मैनेज किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करें ताकि जो पेशेंट से आप डील कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्टरी फेज और ओरिएंटेशन फेज। इंट्रोडक्टरी फेज, अब ये जो इंट्रोडक्टरी फेज है ये नेक्स्ट होता है प्री इंट्रैक्शन फेज के बाद में। इस इंट्रोडक्टरी फेज के अंदर फर्स्ट मीटिंग होती है पेशेंट और नर्स की। जब वो वार्ड के अंदर आ जाता है अब क्या होगा, नर्स और पेशेंट के बीच में फर्स्ट मीटिंग एस्टैब्लिश होगी। अब इस फर्स्ट मीटिंग के अंदर क्या होगा, जो नर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन करेगी, सारे वाइटल साइंस है जो पेशेंट के चेक करेगी, उसकी अपीरियंस फेशियल एक्सप्रेशन सारे नोट डाउन करेंगे, जो कोई भी डिफॉर्मिटी है वो चेक करेगी, सब ज़्यादा से ज़्यादा उसके डाटा गैदरिंग करेगी, डाटा गैदर करेगी वो उससे। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज है। इस फेज के अंदर सुपरफिशियल सारी चीज़ें उनको चेक किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, वाइटल साइन है, ये सब लिया जाता है। देन इसके अंदर मोस्टली क्या क्या टास्क होते हैं, फर्स्ट इज रिपोर्ट एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन गैदरिंग डाटा डिफाइन प्रॉब्लम। रिपोर्ट मींस एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, एक तालमेल बैठाना नर्स और पेशेंट के बीच में। जब वो आएगा तो उसे उस टाइप से गैसर पोस्टर के थ्रू अच्छा ढंग से उससे बात करना, उसको रिगार्ड देना ताकि वो आपसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सके। देन एक कम्युनिकेशन डेवलप करना, देन गैदर डाटा, उससे डाटा कलेक्ट करने लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये सब कलेक्ट करना। देन डिफाइन प्रॉब्लम, उसकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस करना और उसको और डिफाइन करना, जैसे जो भी उसकी फोकस प्रॉब्लम है, जिस चीज़ की हेल्प के लिए वो आया है, जिस चीज़ की हेल्प उसको चाहिए, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना। इस फेज के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस की जाती है बाय द नर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर है स्टीरियोटाइप बिहेवियर ऑफ या पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेशेंट। स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िवादी टाइप हो गया कि पेशेंट सेकेंडरी पेशेंट के बारे में पहले से ऐसे प्री थॉट अजम्पशन होता है अपना कि वो वायलेंट होता है, लड़ाई झगड़ालू होता है, उनका बिहेवियर सही नहीं होता है, ये वो। तो स्टीरियोटाइप पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ कर उसके साथ ढंग से अपने को एक रिलेशनशिप बनाना है। देन उसका मैनेजमेंट करने के लिए अपने को ऑनेस्टी, विलिंगनेस, ये सब चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी ताकि ये जो फेज है इसके अंदर जो थेरापेटिक रिलेशनशिप है वो मेंटेन हो सके। फर्दर इसके अंदर एक और चीज है फॉर्मुलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पेशेंट के साथ टाइम, प्लेस, पर्सन, जो भी आप जिस जगह पे जो डायग्नोसिस है, कौन सा ट्रीटमेंट है, कौन सी आप थेरेपी देने वाले हो, कौन सी आप उसको ड्रग्स देने वाले हो, जितने भी प्रोसीजर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे पेशेंट और नर्स के बीच में कि ये सारी चीज़ें उनके दौरान होने वाली है। जो भी आप थेरेपी दोगे, जो भी फॉलोअप दोगे, तो उस टाइम पेशेंट को आना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इस फेज के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट किया जाता है ताकि नर्स की भी हेल्प हो और पेशेंट की भी इसके अंदर लीगली हेल्प हो सके। देन आवर थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वर्किंग फेज। ये वो फेज है जिसके अंदर नर्स और पेशेंट दोनों आपस में एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, वर्क टुगेदर, एक दूसरे के नर्स पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, प्रोग्नोसिस के लिए काम करती है। अब इस फेज के अंदर क्या होता है, जितनी भी डिफरेंट काइंड की थेरेपीज होती है, जितनी भी डिफरेंट काइंड की मेडिसिन है,
जितनी भी काउंसलिंग्स है, गाइडेंस है, जो भी है, वो सारी इस फेज के अंदर दी जाती है। पूरा जितना भी वर्किंग का जितना भी काम है वो सब इसी फेज के अंदर किया जाएगा। लाइक वर्क टुगेदर, गैदर डाटा, प्रमोट इनसाइट, कोपिंग मैकेनिज्म, जो भी पेशेंट की जो इनसाइट है उसको डेवलप करना। अब इनसाइट क्या होती है? इनसाइट के अंदर सेल्फ अवेयरनेस पेशेंट के कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझको ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, मुझको ये डिप्रेशन है, उसको खुद को पता होना अपनी बीमारी के बारे में, तक उसके अंदर उसकी डिसऑर्डर डिजीज से रिलेटेड उसकी इनसाइट है, जो अवेयरनेस है वो डेवलप करना। देन कोपिंग मैकेनिज्म, उसके अंदर कोपिंग मैकेनिज्म का डेवलप करना, डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करना, ताकि वो कोपिंग मैकेनिज्म लगा के जो भी लाइफ स्ट्रेस है, स्ट्रेसर है, स्टिमुलस है, स्टिमुलेंट है, उसको मिनिमाइज कर सके, ताकि जो कंपोनेंट उसको स्ट्रेस उसके अंदर डेवलप कर रहे हैं, कोपिंग मैकेनिज्म लगा के उसको सुप्रेस कर सके। देन कौन कौन सी प्रॉब्लम है इस फेज के अंदर जो नर्स को फेस करनी पड़ती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फियर, एंजाइटी, लाइफ स्ट्रेस, फियर पेशेंट अपने को कोऑपरेट करेगा या नहीं करेगा, वायलेंट तो नहीं हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेगा, तो और लाइफ स्ट्रेस, पर्सनल जो नर्स के जो लाइफ स्ट्रेस है उनके कारण भी जो नर्स है वो सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस वर्किंग फेज के अंदर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम, ट्रांसफरेंस। एंड काउंटर ट्रांसफरेंस, अब ट्रांसफरेंस क्या होता है? ट्रांसफरेंस वो प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो पेशेंट है और जिसकी केयर कर रही है नर्स, वो पेशेंट लाइक उसके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है, उसकी केयर एक नर्स है वो कर रही है, तो वो जो ओल्ड एज पर्सन है वो ऐसा सोचने लग जाएगा कि ये नर्स है जो मेरी डॉटर है या मेरी रिलेटिव है, इस तरह से उसके अंदर फीलिंग्स है जो डेवलप हो जाएगी। या यंगर कोई पर्सन है तो वो ये सोचेगा कि ये जो नर्स है मुझे लाइक करती है, तो इसलिए ये मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रही है। तो इस फेज के अंदर एक रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है, इसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस। एंड काउंटर ट्रांसफरेंस, इस काउंटर ट्रांसफरेंस का क्या होता है? काउंटर ट्रांसफरेंस का मतलब होता है कि जो पेशेंट के प्रति नर्स की फीलिंग्स, पेशेंट के प्रति नर्स की फीलिंग, लाइक अगर पेशेंट है वो डिप्रेशन का है, मूड डिसऑर्डर का है, तो अगर कोई सुसाइडल टेंडेंसी का है, या उसके डाइवोर्स की वजह से वो डिप्रेशन के अंदर गया है, या कोई और भी रीजन है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गया है, तो नर्स उसके साथ इतना ज़्यादा रिलेट हो जाती है कि वो ये सोचने लग जाती है कि उसके साथ ये डिप्रेशन का शिकार क्यों हुआ, इसके साथ लोगों ने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसके साथ नहीं करना था, तो इतनी ज़्यादा उसके साथ क्या हो जाती है, बॉन्ड हो जाती है, रिलेशनशिप इतना ज़्यादा कर लेती है, तो वो भी एक थेरापेटिक रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, इससे थेरापेटिक रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी अपने सीनियर फैकल्टीज हैं, सीनियर मेटन हैं, उनसे, सीनियर स्टाफ हैं, उनसे कंसल्ट करें, वो इसके बारे में बताएं कि इसको इतना ज़्यादा भी इमोशनली बॉन्डिंग पेशेंट के साथ में डेवलप नहीं करनी है इस लेवल तक। नाउ द लास्ट फेज ऑफ द थेरापेटिक रिलेशनशिप इज टर्मिनेशन फेज। अब इस टर्मिनेशन फेज के अंदर क्या हो रहा है?
टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा कि टर्मिनेट होना, एक रिलेशन का टर्मिनेट होना मतलब अलग अलग होना। अब ये वो टाइम होता है जब नर्स और पेशेंट दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग कैसे होते हैं, जब पेशेंट को डिस्चार्ज करना होता है। अब जब आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये वो फेज है। अब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज इस टर्मिनेशन फेज के अंदर डिस्चार्ज करना, डॉक्यूमेंटेशन सारे बनाना, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, फॉलो अप, फॉलो अप पेशेंट का फॉलो अप बनाना कि उसको मेडिसिन कब हॉस्पिटल के अंदर वापस आना है और ये थेरेपी इस दिन होगी, इस तारीख को होगी, इस टाइम पे होगी, तो आपको इस हिसाब से आना है। घर पे कौन कौन सी डाइट आपको लेनी है, कौन सी मेडिसिन घर पे कितने बजे कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का कौन कौन सी चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज है जो करनी है, ये सब कुछ टर्मिनेशन फेज के अंदर पेशेंट को बताया जाएगा। अब इस फेज के अंदर ये सारे टास्क थे एक नर्स के। अब इस फेज के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो फेस की जाती है बाय दी नर्स, लाइक गिफ्ट गिविंग। गिफ्ट गिविंग इसके अंदर क्या होगा, जो पेशेंट है वो नर्स के साथ बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, उसका अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। लाइक वो अपने उसको अपना रिलेटिव समझने लगेगा, ठीक है। तो इसके अंदर वो नर्स को कोई ना कोई गिफ्ट देने की कोशिश करेगा, कोई गिफ्ट देगा उसको, अपनी जो भी वो अपनी कुछ बात कहना चाहेगा उसको, या अपने हिसाब से उसको कुछ भी करना चाहेगा, तो उसके लिए वो उसको फोर्स करेगा, नर्स को क्या करेगा, फोर्स करेगा। और हो सकता है वायलेंट भी हो जाए, एरोगेंट टाइप के होते हैं पेशेंट, एगेट्रिक, तो वो उसके ऊपर नर्स के ऊपर अपना अधिकार भी जताने लग जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस टर्मिनेशन फेज के अंदर मे बी फील फेस करनी पड़ सकती है। तो इन सब को काउंटर करने के लिए अपने को रिलेशनशिप है वो एक प्रोफेशनल बाउंड्री के अंदर ही रखना चाहिए, प्रोफेशनली रखने चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम, ताकि इतने ज़्यादा भी इमोशनल अटैचमेंट डेवलप ना हो, ताकि ये कंडीशन अपने को फेस करनी पड़े। तो अपना ये जो टॉपिक था फेजेज ऑफ थेरापेटिक रिलेशनशिप, ये कंप्लीट होता है। इसके अंदर अपन ने चार फेज पढ़ लिए, फर्स्ट प्री इंट्रैक्शन फेज, सेकंड वन इज इंट्रोडक्टरी फेज या ओरिएंटेशन फेज, थर्ड वन इज वर्किंग फेज, फोर्थ वन इज टर्मिनेशन फेज, और ये कंप्लीट जो यूनिट है आज अपनी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।